बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं, और चाहे आप सोल, डीयू, एनसीवैप, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं, और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये, मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई 10 ईयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोग इग्नू के स्टूडेंट हैं, इग्नू फर्स्ट ईयर में आप लोगों का बिजनेस स्टैटिस्टिक का जो सब्जेक्ट है BCOC 134, जिसके अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक पढ़ना है आप लोगों को, साथ ही साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनका अभी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है जिसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट आया है, तो सिलेबस काफी हद तक सेम है। कुछ चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं, वो सारे करवाए जाएंगे, वन शॉट आ जाएगा आपके एग्जाम से पहले पहले। जिनकी री आई है बिजनेस स्टैटिस्टिक में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बट कोई टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि आपका अपना चैनल है। चाहे आप ड्यू, इग्नू, आईपी, एमडीयू कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी का सब्जेक्ट यही रहने वाला है और सिलेबस भी यही रहेगा। आगे पीछे चैप्टर होंगे वो करवा दिए जाएंगे, राइट। तो आप फटाफट स्टार्ट करें। जो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी की जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मीन मीन में दो सीरीज करवा चुकी हूँ आप लोगों को मैं, इंडिविजुअल सीरीज करा चुकी हूँ, डिस्क्रीट सीरीज करा चुकी हूँ। प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स आते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आप हमारी लास्ट जो सीरीज बचती है मेन की, उसके बाद ये जो अर्थमेटिक मेन है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक मेन खत्म हो जाएगा। लास्ट सीरीज का नाम है कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्या है कॉन्टिन्यूस सीरीज? और कॉन्टिन्यूस जो सीरीज है बेसिकली वो हमारी किस पे रहती है, तो उसके अंदर हमें क्लास इंटरवल देखने को मिलता है। तो क्लास इंटरवल देखने को जहां भी मिलता है तो हमें समझ आ जाता है ये कौन सी वाली सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, राइट। ये मैंने ऑलरेडी पहले पिछली वीडियोस में काफी बार आप लोगों को बता रखी है बात, राइट। तो आप फटाफट से कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी हम लोगों को आगे फर्दर तीन तरीके से पढ़ने होते हैं, तीन मेथड्स होते हैं, मैं अगर बोलूँ तो, जो सब में हम लोगों ने पढ़े हैं, राइट। सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड होता है, उसके बाद है शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड है, उसके बाद लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, राइट। तो इस तरीके के हमारे जो हैं तीन मेथड्स हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, उसके बाद अर्थमेटिक मीन खत्म करके मीडियन और मोड करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो फटाफट सिलेबस करेंगे, टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। मैं कोशिश करूंगी वन शॉट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए ताकि आप लोग आराम से पास हो सके। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से। मैं यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन लिख देती हूँ आप लोगों को, या फिर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा भी देती हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले, और इसकी जो पिक्चर होगी वो आपको टेलीग्राम पे चाहिए होगी तो मैं वहां भी अपलोड कर दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, साथ साथ अपलोड होती रहेगी। तो आप लोग टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन दोबारा देखना चाहे तो वो भी देख सकते। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन द वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट हुआ है जिसके अंदर हमें कुछ मार्क्स पता लगे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लगे हैं। देखो पहले क्या होता था, इंडिविजुअल सीरीज होती थी। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि हमें रोल नंबर वाइज या फिर पूरी सीरीज वाइज पता चल जाता था कि हाँ भाई फर्स्ट रोल नंबर के 5 नंबर है या सेकंड रोल नंबर के 10 नंबर है, इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज हुआ करती थी। जबकि अभी हमने देखने को मिला कि हमारे को इस तरीके का कुछ टेबल गिवन है जिसके अंदर मार्क्स दे रखे हैं 0 to 5 दे रखे हैं, 5 to 10 दे रखे हैं, 10 to 15 दे रखे हैं, 15 to 20 दे रखा है और 20 to 25 दे रखा है, राइट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें ना एग्जैक्टली ये नहीं पता चलता कि वो दो बच्चे कौन से, बस इतना पता चलता है कि जो दो बच्चे हैं उनके मार्क्स 0 और 5 के बीच में आए हैं, लेकिन एग्जैक्टली नंबर नहीं पता चलता कि वो 1 है 2 है 3 है, ये नहीं पता लगता। बस इतना पता है 0 से 5 के बीच में 2 ही बच्चे हैं और 5 से 10 के बीच में 8 बच्चे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट कर रहा है, राइट। 10 to 15 है, 10 to 15 मार्क्स जिसके आए हैं यानी कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है, और 15 to 20 जो मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और 20 to 25 जो मार्क्स आए हैं उसमें 4 बच्चे आते हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को टोटल करें 2 + 8 + 6 + 10 + 4 तो 30 ही होगा, ठीक है। अब इतनी बात समझ आ गई, तो फटाफट से अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों के जो क्वेश्चन में गिवन है वो है मार्क्स गिवन है, राइट। मैं जिस तरीके का मेथड आप लोगों को बताऊंगी आपको वैसे ही अपने एग्जाम्स में करना है और प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से ही करनी है।
कि आप लोगों को फॉर्मूला अगर याद है तो आपको ये भी नहीं टेंशन लेने की जरूरत, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से आपको कॉलम बनाने हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि हमें आप कौन सा वाला जो कॉलम है सॉल्व करना है, राइट। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है मार्क्स, तो मैं एक्स डिनोट कर लेती हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो 0 to 5 हो गया, 5 to 10 हो गया, 10 to 15 हो गया, 15 to 20 हो गया, उसके बाद 20 to 25 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है और 4 आ रहा है, यानी इनको टोटल करके ही 30 आता है। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। अब हम कुछ भी आगे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम फॉर्मूला पे ही आएंगे, ठीक है। फॉर्मूले का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो मेन को इस तरीके से एक्स और बार से डिनोट किया जाता है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, हमारे किसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड, यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एम, तो सिग्मा एफ एम चाहिए, तो हमें इतना पता लग रहा है कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल होता है, एफ एम का टोटल। भाई एफ तो है लेकिन हमारे पास एम तो है नहीं, जब तक एम नहीं होगा तब तक हम एफ एम कैसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो हमें यह पता लग गया कि अब कॉलम किसका बनने वाला है, एम का बनने वाला है, यानी कि मिड वैल्यू का बनने वाला है, ठीक है, अपने आप पता लग गया ना, ठीक है। उसके बाद एफ एम चाहिए, तो भाई इसके अंदर एफ है एम भी है लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई का टोटल चाहिए, तो यानी ये भी पता लग गया कि अब एफ एम का कॉलम बनेगा जिसको टोटल करने पे ही हमें ये वाली चीज मिलेगी, और एफ का टोटल तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा है। तो इतना समझ आ गया ना कि कैसे कॉलम आप लोगों को बनाने थे, आई होप आपको 100% क्लियर होंगी चीजें। सो फटाफट से मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी कि जो मार्क्स होते हैं, जो कि एक्स होता है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देना होता है, ठीक है। तो 0 + 5 करूंगी मैं, अपॉन 2 करूंगी तो 5/2 आएगा, 5/2 को सॉल्व करूंगी तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, छोटी सी कैलकुलेशन है, फिर भी मैं पूरी करके दिखा देती हूँ। जैसे 5 है, 5 ऊपर था, वो अंदर जाएगा, 2 बाहर है, तो 2 2 4 हुआ, 1 बचा, फिर पॉइंट लगा के 0 हो गया, तो ये 0 आ गया, यानी कि 2 5 10 हो गया, तो यानी कि 2.5 इज द आंसर, राइट। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी ताकि आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। 5 + 10 करेंगे, 5 + 10/2, यानी कि 10 + 5 = 15, 15/2 = 7.5। एक तो तरीका ये है कि आपने दो पहले निकाल लेने हैं, उसके बाद आगे भी निकाल सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है, आप आराम से फटाफट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं करनी और क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि अगर एक भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो स्टैटिस्टिक में फेल होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी का आने का चांस थोड़ा कम रहता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, लेकिन कोई कोई यूनिवर्सिटी थ्योरी डाल देती है, कोई कोई नहीं डालती है, ठीक है। तो आपको पूरा प्रैक्टिकल भी अच्छे से करके जाना है। तो ये हो गया, अगर आपने ये निकाल लिया तो आपको गैप समझ आ जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो 10 + 15/2 हो गया, ये आपका 15 + 20/2 हो गया, ये कितना हुआ, 20 + 25/2, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये कितना हो गया, 12.5 हो गया, ये हो गया 17.5 हो गया, ये हो गया 22.5, ये पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप आराम से आंसर आ जाएंगे आप लोगों के। अब एफ एम है, यानी कि एफ का कॉलम ये रहा और एम का कॉलम ये रहा। अब हमारे पेपर के अंदर वैसे तो अभी तो ये कॉलम ज़्यादा है नहीं, साथ साथ लिखे हुए तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगी चीज़ें, लेकिन अगर हमारे पेपर के अंदर आगे जैसे हमने मीन में सीखा तो उसमें कुछ कॉलम्स आते, तो ऊपर आप स्टार हैश लगाकर पता लग जाएगा किस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करनी है। तो आप पेंसिल से जो है अपने एग्जाम में ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे स्टार बना सकते हैं, ताकि आप मल्टीप्लाई करें तो इजीली समझ आ जाए, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो 2 × 2.5 करेंगे, देन यू विल गेट 5, ठीक है। उसके बाद आपको करना है 8 × 7.5, देन यू विल गेट 60, 6 × 12.5 = 75, 10 × 17.5 = 175, ठीक है, पॉइंट हट जाता है, आप लोगों को पता है, शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद 4 × 22.5, देन यू विल गेट अ नंबर 90, राइट। अब आपको टोटल करना है इसको, इसको, इसको और इसको, सबको टोटल करेंगे, देन यू विल गेट 405। तो सिग्मा एफ एम हमारा आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास, बहुत ज़्यादा कम है। तो 405 है, ठीक है, सिग्मा एफ का टोटल। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, एफ एम का टोटल आ गया 405 आ रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 30, ठीक है, डिवाइड दे दिया, उसके बाद देन यू विल गेट 13.50 मार्क्स। मार्क्स क्यों लिखे भाई, क्योंकि हमारे को मार्क्स यहाँ पे गिवन थे, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर दे दिया है, पूरा फुल फ्लेज आंसर आ जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग 100% पास हो जाएंगे, और ये एवरेज मार्क्स निकल गए हैं। क्या है, एवरेज मार्क्स जो बनते हैं बच्चों के, वो कितने बनते हैं, 13.50।
आई होप आपको 100% क्लियर होंगी चीजें। आओ फटाफट नेक्स्ट मेथड देखते हैं जल्दी से जल्दी। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें, जरूर से जरूर करें, ठीक है। अब आते हैं शॉर्टकट पे, शॉर्टकट मेथड फटाफट देखेंगे। तो शॉर्टकट में भी क्वेश्चन कुछ यही है, सेम क्वेश्चन ही है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो फटाफट से मैं मार्क्स लिख लेती हूँ, ठीक है। मैंने लिख लिए, मतलब लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो वही 0 to 5 है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 2, 8, 6, 10, 4, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा और आंसर सबके सेम ही आएंगे, कुछ भी अलग नहीं आएगा। मेथड जो है वो चेंज हो सकता है पर आंसर सेम आएंगे। तो एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपको पेपर के अंदर, ये एक ट्रिक है कि अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में स्टेप डिविजन मेथड पूछा है, ये शॉर्टकट पूछा गया है, और आप लोग ने पूरी कैलकुलेशन कर लिया फिर भी आप जानना चाहते हैं, तो आप लोग शॉर्टकट मेथड से भी, शॉर्टकट से आपने आंसर निकाला और आपको श्योर नहीं है कि 100% सही आया या नहीं आया, तो एक तरीका यही है कि थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास बचता है एक्स्ट्रा, आपने जल्दी पेपर कर लिया, टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड से फटाफट कैलकुलेट करके आंसर मिला सकते हैं। अगर वो सेम आ रहा है दैट मीन्स आपकी चीज़ें ठीक आ रही है, ठीक है। उसके बाद आता मिड वैल्यू यानी कि एम, जो कि हमने अभी निकाल लिया था, वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर। 2.5 आ रहा है, 7.5, 12.5 एंड 17.5 और 22.5, राइट। तो अब हम फटाफट से कॉलम देख लेते हैं, अभी हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो फटाफट से इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, राइट। तो ए मतलब फिर से क्या आता है, एज्यूम आता है, एफ डी का टोटल चाहिए इनको और फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल तो आप लोगों को पता ही है कितना है, 30 है, तो ये तो हमें पता है। एज्यूम हमें हमेशा किस में से करना होता है, हमेशा हमें एक्स में से करना होता है, और जो भी हमारी क्लास इंटरवल होती है उसमें एक्स तो पता नहीं होता, यही एक्स निकालने के लिए हम मिड वैल्यू निकालते हैं ना, तो हमें इसमें से एज्यूम करना होगा। जो भी शॉर्टकट मेथड में आप लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि शॉर्टकट मेथड अगर यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, तो भी आप देखेंगे कि मिड वैल्यू जो होगी उसी में से आपको एज्यूम करना है, मार्क्स में से मत करने लग जाना, कहीं गलत हो जाए, ठीक है। ये मार्क्स को ही सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मिड वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो इसमें आप कोई सा भी कर सकते हो, जैसे मैंने 12.5 कर लिया, एज्यूम ए लिख दिया, ठीक है। तो एज्यूम हमें पता लग गया, उसका एफ डी का टोटल चाहिए। तो एफ डी का टोटल के लिए सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी है, पर डी नहीं है हमारे पास, तो हमें इतना समझ आ गया कि डी का कॉलम बनने वाला है, यानी डेविएशन का कॉलम बनने वाला है, जिसका फॉर्मूला है एम माइनस ए, ठीक है। यानी मिड वैल्यू में से आपको एज्यूम माइनस करना है, और उसके बाद एफ डी का टोटल तो एफ डी के कॉलम से ही निकलेगा। तो देखो कितना जल्दी फटाफट पता चल गई चीजें कि क्या से क्या करना था, ठीक है। तो आओ फटाफट देख लेते हैं, डेविएशन यानी कि एम माइनस ए करना है, तो आपको एम कितना है, 2.5 है, 2.5 में से 12.5 माइनस करना है, ऐसे ही माइनस करते जाना है आप लोगों को, तो आ जाएगा आपका आंसर, फटाफट देखेंगे माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे कितना आया, 7.5 माइनस करना है 12.5 से, देन यू विल गेट -5, 12.5 में से 12.5 ही माइनस करना है, 0 हो गया। 17.5 में से एज यू माइनस करना है 12.5, देन आपका आंसर आएगा प्लस में 5, और उसके बाद फिर से माइनस करना है आप लोगों को 22.5 माइनस 12.5, देन यू विल गेट 10, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब एफ डी का कर लेते हैं, एफ डी को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से ऐसे स्टार बना देना एफ के ऊपर और डी एरा, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, आप पेपर में कहीं इन दोनों को कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है, स्टार बनाना ध्यान से समझ रहेगा, और बाद में चाहे पेंसिल से इसको रब भी कर सकते हो, पेन से मत बनाना, तो याद रहेगा कि किसको कितने से करना है, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस 10 करेंगे -20, 8 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट -40, 6 इंटू 0 0 ही होएगा, 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने सब कुछ निकाल लिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एफ डी के टोटल भी चाहिए हमें, यानी सिग्मा एफ डी कितना हो जाएगा, ये इसको पूरा सॉल्व करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। 90 ये हो गया, ठीक है, और ये 60 हो गया, ठीक है। तो 90 माइनस 60 करेंगे, देन यू विल गेट 30, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाली कैलकुलेशन ऑलरेडी सिखा रखी है कि प्लस माइनस कैसे सॉल्व करना होता है, अगर जिनको डाउट आता है इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी मैं। और ये टोटल हो गया, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी पता है, तो फटाफट से लिखते हैं। एज्यूम कितना किया था, 12.5 किया था, 30 इसका टोटल है, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना आ रहा था, 30 आ रहा था, ठीक है। तो इससे ये कटेगा 1 पे, ठीक है, तो कितना हो गया ये 12.5 प्लस 1 कितना हो गया, 13.50 मार्क्स, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको शॉर्टकट मेथड से, ठीक है।
अब हम जो है फटाफट से ये देख लेते हैं कि भाई स्टेप डिवीजन मेथड कैसे होता है। तो इस यही रहेगा, इसी को और आगे एक्सटेंड कर देती हूँ मैं, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो इस चीज को प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। और फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये वाला अलग था, इसको अलग कर दीजिए। यहाँ पर मैं लिखती हूँ स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है? तो ये स्टेप डेविएशन मेथड है, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप डेविएशन में सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपसे एग्जाम से पहले कि ये फॉर्मूले फटाफट से कैसे याद हो जाएंगे, ठीक है? वो हो गए, कल से साथ में होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, जिनको नोट्स चाहिए वो भी खरीद लें, और बहुत मिनिमम कॉस्ट पे नोट्स हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन काफ़ी लाइन टू लाइन दे रखी है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप नोट्स पढ़ के क्वेश्चन देख के वन शॉट करके जा सकते हो, आराम से पास हो जाओगे। और जिनके पास कोई कंपलसरी नहीं है कि खरीदना ही खरीदना है, बट आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, नोट्स खुद आप बना सकते हो, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये इस तरीके से है जो मैंने बताया आप लोगों को। और अब हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। तो ए एज्यूम हमने ऑलरेडी कर रखा है, और उसके बाद हमें एफ डी डैश का टोटल चाहिए, ठीक है? तो डी तो ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास डी डैश नहीं है, तो यानी कि ये पता लग गया डी डैश का कॉलम बनने वाला है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद एफ डी डैश का टोटल चाहिए, तो भाई एफ डी डैश तो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है? तो इसको पहले करेंगे, यानी एफ को मल्टीप्लाई देना पड़ेगा डी डैश से, तो ही इसका टोटल आएगा, ठीक है? ये लाइन ऐसे होगी, ठीक है? उसके बाद फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑलरेडी पता है, सी सी मतलब हमारा क्या है, सी मैंने आपको कई बार बताया है कि सी हमारा किस लिए यूज होता है, सी मतलब कॉमन फैक्टर होता है, याद रखना। कॉमन फैक्टर कैसे पता चलता है, कॉमन फैक्टर मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले हम देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या पुट करना है। डी डैश निकालते हैं फटाफट, तो डी डैश के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, मैं लिखती हूँ एम माइनस ए अपॉन सी। देखो एम माइनस ए वाला कॉलम जो हैश लगा दिया छोटा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये वाला कॉलम है इसको बस सी से डिवाइड देना है, यानी कि कॉमन फैक्टर से हमें डिवाइड देना है। और कॉमन फैक्टर है कितना, कॉमन फैक्टर हमारा 5 है, ठीक है? यानी कि गैप कितने कितने का, 5-5 का गैप आ रहा है, ठीक है? तो कितना है, बस इसको डिवाइड देना है, इस वाले कॉलम को डिवाइड बाय 5। तो आप पेंसिल से ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ताकि फटाफट से हो जाएगी। तो 5 को -10 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, -2, -1, 0, 1, 2, इस वाले कॉलम को डिवाइड देते गए और आंसर आता गया। अब एफ डी मतलब एफ को मल्टीप्लाई देना डी डैश से, तो डी डैश का कॉलम तो कुछ ये रहा, ठीक है? अब छोटा सा एक ट्री बना दे ताकि याद रहे, डी डैश का कॉलम ये रहा और एफ का कॉलम ये रहा, तो हमें पता है कि इसको इससे जो है इंटू देनी है। तो यानी कितना हो जाएगा, -4, 8 इंटू -1 कितना हुआ -8, 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 4 इंटू 2 8। देखो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ऊपर बना के चलोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन आपने नहीं बनाया तो मैं ये नहीं कहती 100% गलत होगा, बट हाँ गलती होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। और मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि जहाँ गलतियाँ हो सकती हैं आपके एग्जाम्स में, वो भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, ताकि आप हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकें। और ये मत सोचना कि बिल्कुल एक दो क्वेश्चन भी आपने हाथ से सॉल्व नहीं किया और डायरेक्ट वहीं जाके करोगे, बिल्कुल बात नहीं बनेगी, गलती चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हो गया, बस आप इसको टोटल कर लेते हैं, सिग्मा एफ डी डैश आ रहा है 6, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, 18 हो गया, ठीक है? सॉल्व कर लोगे। तो एज्यूम हमने कितना किया था, ऑलरेडी हमने एज्यूम कर रखा था 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना आ रहा था, 6 आ रहा है सॉल्व करके। फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 था, भी देख लिया, कॉमन फैक्टर 5 था, ठीक है? सबसे पहले इसको मैं काट देती हूँ, 5 6 6 हो गया, ठीक है? 6 से 6 1 पे चला गया, कितना बचा, 13.50 आ गया, ठीक है? 12.5 प्लस 1 हो गया, ठीक है? तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे, ये मत सोचना कि इसमें भी थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग इसमें भी लगाना पड़ेगा, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो, बाकी कैलसी पे करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। और अगर ऐसे सॉल्व करो तो भी बोर्ड मास रूल अप्लाई होना चाहिए, कि जो चीज़ पहले कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें, उसके बाद जो है सॉल्व कर लें, ठीक है? डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई दे दें, उसका प्लस और फिर माइनस, तो इस तरीके से। और उसमें भी एलसीएम लेना होता है। तो मैंने आप लोगों को ये सारा बता दिया है, मेन अर्थमेटिक मेन पूरा समाप्त कर दिया है। फटाफट से मीडियन देख लेते हैं, मीडियन में क्या बचा है, मतलब मीडियन बचा हुआ है उसमें सीरीज देख लेते हैं फटाफट। ये आपके मीन के जो फॉर्मूलेज हैं वो एक साथ लिखे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिए थे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेशक से इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं।
अब आते हैं हम लोग अपने मीडियन पे, ठीक है। तो हमें ये देखना है जो मीडियन होता है उसमें कौन कौन सी सीरीज होती है। इसकी थ्योरी की वीडियो मैं अलग ही बनाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, राइट। तो मीडियन की फटाफट से एक डिफाइन भी देख लेते हैं। मीडियन में भी डिफाइन एज अ मिडल वैल्यू इन द डेटा सेट व्हेन इट्स एलिमेंट आर अरेंज इन अ सिक्वेंटल ऑर्डर दैट इज द आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि जो भी आपका मीडियन होता है वो एक मिडल वैल्यू होती है डेटा की, बीच की वैल्यू होती है, जिसको अरेंज पहले करना पड़ता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े पे जाना, या फिर डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे पे आके सीरीज बनानी होती है पहले, उसके बाद बीच के नंबर को ही देख करके हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चार्ट और देखना चाहेंगे, मीनिंग ऑफ पोजिशनल एवरेज का। ये कुछ डायग्राम सा बना हुआ है, ठीक है। जो बच्चे के पास नोट्स होंगे, जिन्होंने नोट्स खरीदे, उन्हें ये सारा चार्ट दिखाई दे रहा होगा, वो भी देख के भी समझ सकते हैं। पोजिशनल एवरेज है जिसके अंदर मीडियन है, पार्टीशन वैल्यू और मोड है, ठीक है। यानी कि हमारी जो भी पोजिशनल एवरेज होती है जिसमें मीडियन आता है, मोड आता है, और इसके अंदर जो पार्टीशन वैल्यूज होती है उसमें क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल भी है। ये हम आगे सीखेंगे, एक एक करके इसके फॉर्मुलेस देखने हैं, बस बाकी वैल्यू पुट करने आंसर आ जाएगा। मीडियन की हमारी कुछ तीन सीरीज होती है, एक इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस, फिर से वही है। फटाफट से इंडिविजुअल सीरीज देख लेते हैं, इसका फॉर्मुला समझ लेते हैं। फॉर्मुला कुछ इस टाइप से है। पहली बात तो ये कि मीडियन को डिनोट किससे करते हैं, तो इसको एम कैपिटल और स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, इतनी बात क्लियर होगी। और इंडिविजुअल सीरीज में अगर मैं बात करूँ तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टूथ टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ फॉर्मूला है, ये हमारे डिपेंड करता है। तो आओ फटाफट से देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के, फाइव स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स दे रखे हैं 42, 40, 60, 55 और 50, ठीक है। तो ये कुछ दे रखे हैं, इसमें हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। सिंपल इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि नंबर दे रखे हैं, तो ये इंडिविजुअल सीरीज ही हुआ। तो इसको क्या करना क्या है, इसको पहले हमें क्या करना, हमारा रूल क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं कि जो हमारा स्टेप होता है, सबसे पहले असेंडिंग में लगाना है इसको, या तो स्टेप नंबर वन ही यही है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाओ सीरीज को, क्योंकि ये आगे पीछे नंबर है। उसके बाद स्टेप नंबर टू है फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। साइज ऑफ, मैं लिख रही हूँ एम ई इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू एथ आइटम, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 40 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 50, उसके बाद 55, उसके बाद 60, ठीक है। तो ये कुछ नंबर थे जो हमने लगा दिए हैं सीरीज वाइज। और ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें ये हमारे नंबर कौन से हैं, 5 हैं। 5 मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए क्या करना होता है, ऑड नंबर के लिए कुछ नहीं, 5 नंबर है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले सीरीज में लगा लिया, अब सेकेंड स्टेप कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूला वाला। तो एन कितना है, 5 था, 5 नंबर थे ना टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 3, यानी कि थर्ड आइटम। अब इसमें जो थर्ड आइटम आ रही है वो आ रही है 50, तो 50 इज दी आंसर, ना कि 3। 3 मत लिख देना, थर्ड आइटम है वो, आइटम इसमें चेक करना होगा, थर्ड नंबर में 50 है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर अगर है तो फिर मैंने एक नंबर लिया है जिसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा लिया है, 40 है, 42 है, 50, 55, 60, 65, ये नंबर्स हैं जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद फॉर्मूला फिर से वही है, साइज ऑफ एम ई लिखेंगे एन प्लस वन अपॉन टू एथ आइटम, ठीक है। तो एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है, तो 6 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, ठीक है, आइटम। तो इवन नंबर को जब भी आप करेंगे तो पॉइंट पे कुछ आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो 6 प्लस 1 कितना हुआ, 7, 7 बाय 2 कितना हो गया, 3.5। अब 3.5 आइटम है भाई, हम किसको लें, 3 को लें या क्या लें, कुछ समझ तो नहीं आ रहा हमें। तो ऐसे ही इवन नंबर को करने का कुछ तरीका ये है कि जैसे 3.5 किसके बीच में लाए करता है, थर्ड और फोर्थ आइटम के बीच में लाए करेगा, ठीक है। तो इवन का स्टेप बस थोड़ा सा बढ़ जाता है, फॉर्मूला वही है, स्टेप वही है, बस थोड़ा सा चेंज आता है एंड में, वो भी इस पॉइंट की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ आइटम को अगर मैं देखूँ तो थर्ड आइटम है मेरी 50 और फोर्थ आइटम है मेरी 55, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेती हूँ, 50 प्लस 55 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो कितना हो गया ये,
इसको सॉल्व करके आएगा 52.5। तो 52.5 इज दी आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। बस ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है हमारे इवन के केस में। सो आई होप आपको 100% चीजें क्लियर होती होंगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज के कुछ यहां पर हम लोगों को स्टेप्स दिए गए हैं जो कि हमें फुलफिल करने ही पड़ेंगे, याद भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एक्सप्लेन करने को आ जाता तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को बताया है कि अरेंज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो हमारे ऊपर है। फिर डिनोट वेरिएबल आइटम एक्स फ्रीक्वेंसी एस एफ, यानी फ्रीक्वेंसी को एफ से करना, आइटम को एक्स से डिनोट करना है, और वही जो चीजें ऑलरेडी आप लोगों को पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सी एफ से डिनोट करते हैं, जो अभी आपको मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है तो सी एफ कैसे निकाला जाता है। मीडियन का फॉर्मूला फिर से सेम है, साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू एथ आइटम ही है, ठीक है। जैसे ये आ जाएगा उसके बाद जो मैंने आपको स्टेप्स कराए हैं वही सारे फॉलो करने हैं, बस तो थोड़ा सा चेंज है। आओ फटाफट देखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट दी मीडियन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज हमें गिवेन है, यहाँ लिखती हूँ साइज। साइज है हमारा 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है क्वेश्चन में 2, 1, 3, 7, 4, ठीक है। ये कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। और उसके बाद हमें जो फॉर्मूला है वो देख लेना है, फॉर्मूला वही है, एन प्लस वन अपॉन टू एथ आइटम ही है। तो उसके लिए हमारे को देखो मीडियन निकालना है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज से निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को जो फॉर्मूले है उसके अकॉर्डिंग हमें सी एफ में आंसर चेक करना है। तो सी एफ तो हमारे पास है नहीं, तो ये पता लग गया कि एक कॉलम बनेगा सी एफ का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलती है, पहला वाला नंबर एज इट इज रहता है फ्रीक्वेंसी का देख के, उसका सी एफ निकलता है, ऐसे आपको ऐड करते जाना है, यानी कि 2 + 1 कितना हुआ, 3 हो गया। फिर ये जो आंसर आया उसको इसमें प्लस कर देना, 3 + 3 6 हो गया। फिर इसमें इसको प्लस कर देना, यानी 6 + 7 कितना हो गया, 13। फिर 13 + 4 17, ऐसे प्लस कर देना, मतलब पहला वाला नंबर सेम रहेगा, उसके बाद ऐसे आपको ऐड करते जाना है। तो बस ऐसे ही ऐड कर दिया। उसके बाद हम फॉर्मूला अगर देखेंगे सी एफ के अकॉर्डिंग चेक करना होगा मीडियन वैल्यू, इसलिए हमने निकाला है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ था। आओ फटाफट देखें फ्रीक्वेंसी का टोटल देख लेते हैं पहले। फ्रीक्वेंसी का टोटल कुछ 17 है, और मीडियन का फॉर्मूला एन प्लस वन अपॉन टू, साइज भी लिखना है आपको, साइज ऑफ, ठीक है, आइटम, ठीक। अब देखो टोटल देखना है, यानी कि अब इसके अंदर क्या है कि हम नंबर कैसे काउंट करें, तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी को टोटल करके टोटल नंबर पता चलेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो वो कितना है, 17 + 1/2, यानी कि एन कितना था, 17 था, 17 था, फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है, मतलब आपको डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी को ही टोटल करना है, ठीक है। तो कितना आ गया, 18 आ रहा है आपका, 18/2 आ रहा है आपका, डिवाइड करके 9, तो 9th नाइन्थ आइटम। अब ये 9th आइटम कैसे चेक की जाएगी, तो देखो 9th आइटम फॉल इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13। भाई 9 से बड़ा नंबर देखेंगे तो 3 तो है नहीं, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, या तो 13 है या 17 है, तो हमें कौन सा वाला देखना होता है, जस्ट उसके थोड़े से बड़े वाला नंबर। सो हमने ये निकाल लिया। अब हम देखते हैं 18/2 क्या 9th आइटम आया, तो ये जैसे ही 9th आइटम आ रहा है तो हमें ये देखना है 9 से बड़ा नंबर है कौन सा। तो 9 से बड़ा नंबर तो वैसे देखा जाए तो 13 है, ठीक है। बट हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी हम फ्रीक्वेंसी में बड़ा नंबर देखेंगे, जो भी हमारा नंबर आ रहा है 13, उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर ही मीडियन होगा, उससे जस्ट ऊपर वाला, यानी 6 जो होगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। आई होप आपको 100% चीजें क्लियर है। सी एफ ऊपर वाला इसलिए देखते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी को टोटल करके ही सी एफ निकलता है, इसलिए एक जस्ट ऊपर वाला देखा जाता है, ये आपको याद भी होगा क्योंकि आपने पिछली। अब फटाफट से लास्ट सीरीज है, इसके बाद हमारे मीडियन खत्म हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज देख लेते हैं फटाफट। कॉन्टिन्यूस सीरीज आप क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं, काफी बार पढ़ी थी आप लोगों ने। तो उसके लिए कुछ फॉर्मुलेज हैं, मतलब कुछ स्टेप्स हैं, वो फटाफट देख ले। स्टेप वही रहेगा, बस एक फॉर्मूला एंड में आपको अप्लाई करना होगा, जो कि L L1 + N/2 - CF/F(I) है, ठीक है। ये मैं बताऊंगी क्या क्या है, आओ फटाफट पहले देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला हम देखेंगे। तो कॉन्टिन्यूस इसका फॉर्मूला है L + 1 N/2 - CF/F(I)। ये फॉर्मूला
फॉर्मूले वाली वीडियो में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक्स हमें दे रखा है ऑलरेडी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। आपको पता है ना कॉन्टिन्यू सीरीज कैसे देखते हैं, आपको क्लास इंटरवल गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3, 4, 2, 7, 9, ठीक है, इस तरीके से। सो अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब चीज़ें देखनी हैं। तो सी एफ तो ज़रूर से ज़रूर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे सी एफ चाहिए, तो इतना तो पता लग गया। सी एफ आपका 3, 7, 9, 16, 25, ठीक है, ये आपने निकालना सीख लिया है, आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, तो देखो साइज ऑफ एनथ आइटम अगर मैं चेक करूँ, तो पहले इसका टोटल कर लेती हूँ। सिग्मा एफ का टोटल आ रहा है 25 को अगर मैं देखूँ, तो 25 को अगर मैं डिवाइड दूंगी 2 से, क्यों करना है, क्योंकि अभी मैंने सिखाया था कि आपको फ्रीक्वेंसी को, मतलब जो भी आपके नंबर्स आए हैं नंबर को डिवाइड देंगे तो आपको एक आइटम पता चलेगी, जो कि 12.5 आइटम आ रही है क्योंकि आपने डिवाइड दिया, ठीक है। अब ये 12.5 जो है उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है, 16 है तो जस्ट उसके एक ऊपर वाला लेते हैं, अभी बताया था, ठीक है। सी एफ के लिए हमेशा एक ऊपर वाला नंबर लेना है, बाकी जो सीरीज रहेगी वो यही रहेगी, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, फॉर्मूले में फटाफट से चीज़ें अप्लाई करनी है, उसके बाद हमारे को सी एफ चाहिए। तो मैंने अभी बताया सी एफ एक ऊपर वाला होता है, सी एफ 9 हो गया, फ्रीक्वेंसी 7 है इसके अकॉर्डिंग अगर देखे तो, और आई इज इक्वल टू 10 है, गैप कितने कितने का है इसमें क्लास इंटरवल में, 10 का, तो आई मतलब गैप हो जाएगा क्लास इंटरवल का, तो 10 है। अब आओ फटाफट फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखो L1 30 था, प्लस एन अपॉन 2 कितना था, अभी यहाँ पे सॉल्व किया है 12.5 है, उसके बाद माइनस सी एफ कितना है 9 है, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 7, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखे तो, इनटू आई, आई मतलब ये जो गैप है 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके आंसर आएगा 35, तो मीडियन आ जाएगा 35। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो आप आराम से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सो अगर आप करना चाहते हो तो बस इसको पहले आप लोग क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड और ये प्लस करना है, ठीक है। तो कैलसी लाउड है, हो जाएगा। तो मीडियन की मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आपका अपना चैनल है, आराम से कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मोड, और इस मोड देखेंगे और क्वार्टाइल देखेंगे, बस उसके बाद ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है आराम से कमेंट कर सकते हो, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।